मेरे नजदीक तो यह था कि अगर मैं गलती करता तो मुझे खुद इसका एतराफ करके फौरन उसकी तस् करनी चाहिए थी मैं खुद अगर कोई एक स्टूडेंट भी कहे कभी कि किसी मामला में कि यह गलती हुई तो मैं फौरन मानता हूँ यह गलती हुई है यानी मैं नहीं समझता कि इससे मेरी शान में कोई फर्क आ गया है पढ़ाते हुए तकरीर में ऐसी हमारे शागिदों में इतनी मिसालें हैं और हमने ऐसी कोई किचन कैबिनेट बनाई हुई नहीं कि जिस पर पाबंदी हो कि तुम बोल नहीं सकते तुम टोक नहीं सकते तुम गलती नहीं बता सकते बल्कि हमने उन्हें कहा हुआ है कि फ़र्ज़ है तुम पे तुम्हें गलती नजर आए तो तुम बताओ कि कहाँ गलती हो रही है लेकिन जब हो चीज़ सही और हो मसलक और उसी के अंदर अकीदे की हिफाजत हो तो फिर वहाँ जो है वो मामलात जाहिर है तरह के हैं दीन दीन है शरीयत शरीयत है तो यकीनन इस चरागे गुजर का भी खुदा तो है मुझे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है खुदाओ मुस्तफा के फजल ने मुझको संभाला है इस बुनियाद पर मैं अपना ये मौकफ मुसलसल दलायल की शक्ल में पेश कर रहा हूं और लोगों को इंतजार है कि दूसरी तरफ से क्यों नहीं दलाल पेश किए जा रहा है अगर किसी के पास कोई दलील है तो वो लाए सामने लोगों को पता चले और उससे हमें भी रहनुमाई मिले कि ये तो तुम्हारे मुताला में नहीं दलील थी और ये तो इस तरह है तो दलील के सामने जब साबित हो जाए कोई चीज तो एतराफ एक मुनसिफ मजाज आलिम की शान है कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करे लेकिन जिस वक़्त सिर्फ और मामला की वजह से दबाव डाला जा रहा हो तो वो ज़ाहिर है कि हक, हक हक है और हक के लिए जान देना भी सादत है और वो थोड़ी कीमत है हक के तहफ के लिहाज से